कराहल गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा, सिख समाज ने किया जोरदार स्वागत। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आज सोमवार को विधायक मुकेश मल्होत्रा ने जनता का आभार व्यक्त करने के लिए कराहल नगर में एक विजय जुलूस निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। इसी के साथ रैली शुरू करने से पहले विधायक ने गुरुद्वारे पर पहुंचकर दर्शन किए और माथा टेका। सिख समाज के लोगों ने अपने नए विधायक का गर्मजोशी के साथ साफा और माला पहनाकर स्वागत किया एवं ढेर सारी बधाई प्रेषित की। विजय जुलूस में पधारे सभी लोगों को मिठाई वितरित की। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी रहे नीटू सिकरवा, जिला अध्यक्ष अतुल चौहान और तमाम कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या कार्यक्रम था आज गुरुद्वारे? आज क्या 25 तारीख को मुकेश मल्होत्रा 23 को MLA बन गया था शिवपुर का, विजयपुर का, जो आज उसने रैली शुरू करी। जो सबसे पहले उसने गुरुद्वारा आके रैली शुरू करने से पहले गुरुद्वारा में आके मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सिख समाज ने लड्डुओं से स्वागत किया, उसके बाद उसने रैली यहाँ से रवाना करी। क्या जो समर्थक आए थे उनके लिए क्या प्रबंध किया गया था लड्डू? सबका जितने भी थे, अपने नीटू सिकरवार था, जिला अध्यक्ष अतुल चौहान था, सब जितने भी बड़े बड़े नेता साथ में थे सबका हमने स्वागत किया। हमारा विधायक है आज की तारीख में, वो जो विधायक होता सब जनता का होता है, एक का नहीं होता, वो आज हमारा विधायक है। हमने उसका स्वागत किया, सिख समाज ने पूरे तन मन धन से, और लड्डू खिला के स्वागत किया। क्या